हे हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बीटीबी ब्लॉग्स में। मैं आपको आज बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करेंगे। मैंने अक्सर बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम देखा है जिसमें ये लिखा गया है कमेंट्स में कि मैंने डाउनलोड कर लिया पर आंसर आंसर की नहीं मिल रहा, सीरियल की नहीं मिल रहा, नंबर की नहीं मिल रहा। एक्चुअली ये सीरियल की, नंबर की, आंसर, ये सारे चीज़ एक होता है पर अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से मांगते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आप, मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द बी टी वी ब्लॉग्स, और ऐसे ही नई जानकारियाँ मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले देख रहे हैं ये बी टी वी ब्लॉग, ये सॉरी बी टी वी ब्लॉग्स चैनल का नाम मैंने लिख दिया है। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप है जिसमें मैंने एडिट कर रखा है इसे, और मैं आपको सिंपली से काटने जा रहा हूँ। तो आप भी देख सकते हैं, ये मैंने भी उसी साइट से इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको आज बताऊंगा वो तरीका जिससे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाए या मोबाइल स्क्रीन पे, आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। आप इसे सिंपली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है एडोब फोटोशॉप 7.04 PC। आप जब इतना सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप इसको सर्च करेंगे, सर्चिंग ले रहा है। सर्च करने पर आपको ये साइट दिखेगा, एडोब फोटोशॉप 7.0 डाउनलोड रिव्यू फॉर विंडोज 7। किसी भी विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, 64 बिट या फिर 32 बिट PC या फिर लैपटॉप में, ठीक है। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से ये जिप फोल्डर आप देख रहे हैं, ये जिप फोल्डर का आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, देख सकते हो ये डाउनलोड ले रहा है। तब तक वेट कर लेते हैं। देखो आपको इस तरह से ओपन खुलेगा और ये देखो बन, ये देखो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको सिंपली ये एक जिप फोल्डर है, देख रहे हो आप, ये जिप फोल्डर को सिंपली डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जब आपका ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको सिंपली कैंसिल कर देना है और इसको तो दोस्तों सिंपली जब ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इसको कैंसिल कर लेना है या मिनिमाइज आप कर सकते हैं। और आपको डाउनलोड फाइल फोल्डर में जाना है डायरेक्ट। मैंने इसका लोकेशन अलग सेट कर रखा है तो वो अलग ही डाउनलोड होता है, पर आप जब डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड फाइल में जाएगा। देख सकते हो आप, यहाँ डाउनलोड फाइल है, आप यहाँ जाओगे, ठीक है। आपको, मैं इसको अलग ही डाउनलोड कर रखा हूँ, चेंज कर रखा हूँ डाउनलोड पैथ, तो ये अलग जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, आपको ये डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस तरह से दिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपका ये 7 7 जीप या फिर किसी भी तरह से आप इसको सिंपली एक्सट्रेट फाइल करना है, ठीक है। जब आप इसको एक्सट्रेट फाइल करोगे तो आपको एक इस तरह का विंडो दिखेगा, इसी जहां से आप एक्सट्रेट करोगे वहां पे इस तरह का विंडो खुलेगा। आप सिंपली इसको यहां से ओपन कर लेना, ठीक है, आप देख रहे हो। इसके बाद ये एक फोल्डर खुलेगा, इसको फिर से एक बार एक्सट्रेट करना है, ठीक है। जब आप इसको एक्सट्रेट करोगे तो फिर से इसी जगह पे एक इस तरह का वीडियो खुलेगा, आप इसको ओपन करोगे, फिर एक और फोल्डर इस तरह से आएगा, फिर आपको इसको ओपन करना है नॉर्मल। आपको सेटअप पे क्लिक करना है, सेटअप क्लिक करने के बाद सारा सिस्टम रन कर लेना है। और आपको देख सकते हो यहाँ पे, इसमें आपका सिस्टम एप्लीकेशन नेम इनेबल वगैरह सारा चीज लिख रखा है, आप सिंपली इसको कर सकते हो। आपको आंसर की लेने के लिए आपको सिंपली देख सकते हो, भी बैक आओगे तो यहाँ पे सीरियल की लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके अपना सीरियल की देख सकते हो, और अपना सीरियल की डालने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।